नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूँ सरफराज आलम। सहरसा के नए जिलाधिकारी बने हैं आनंद शर्मा। उन्होंने योगदान लिया और योगदान लेने के बाद अचानक वे सदर अस्पताल पहुँचे, जहाँ सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड, इमरजेंसी हो या ऑक्सीजन प्लांट हो, महिला वार्ड हो, तमाम वार्डों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो तस्वीरें देखिए जहाँ जिलाधिकारी आनंद शर्मा जो है तमाम वार्डों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जब वे महिला वार्ड में जब वे प्रवेश किए तो एक महिला ने डॉक्टर की अनुपस्थिति को लेकर उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जो है उसी समय सिविल सर्जन को हिदायत दी है और जल्द से जल्द इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। पहले वो सारा तस्वीरें देखिए जिस तरह से जिलाधिकारी जब सदर अस्पताल पहुंचे तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। कोविड का सिचुएशन देखते हुए आज प्रथम दिन चार्ज लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस समय जिला के लिए कोविड की सिचुएशन है, और कोविड की सिचुएशन का जो गढ़ होगा वो यही होगा। इस अस्पताल से सेंट्रली हम लोग मॉनिटर करेंगे, चीज़ों का अध्ययन किया गया, देखा गया कहाँ पे क्या चीज़ है, उस पर जो ज़रूरी दिशा निर्देश थे वो सिविल सर्जन महोदय को, DS साहब को दिया गया। हॉस्पिटल की टीम अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर रही है, कुछ चीज़ें जहाँ कमी है वो हम लोग एक टीम के रूप में उसको बहुत जल्दी सुदृढ़ और व्यवस्थित कर लेंगे। लेकिन सहरसा के सभी जिला के लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए सभी लोग मास्क पहनना अनिवार्य है, अपना मास्क पहने, जितना हो सके जरूरी घर से निकलने की जरूरत ना पड़े उतना कम से कम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। सरकार का जो निर्देश अभी निकला है उसको अक्षरशः 3 ही पेज का है, उसको पढ़ लें। नाइट कर्फ्यू इम्पोज होता है आज से, 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ये सभी बातें हैं वो सब एक बार देख लें और अपना सुरक्षा रखें, अपने अगल बगल के लोगों की सुरक्षा रखें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम करें। वो आप स्वयं मास्क नहीं पहन रहे तो अपने लिए खतरा तो पैदा कर रहे हैं, आप जो दूसरा उसके लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। अपने लिए नहीं सोचें तो कम से कम अपने बच्चों के लिए सोचिए आप लोग, है ना। अब सब परिपक्व हो गए हैं, उन बच्चों के लिए आप फिर खतरा पैदा करेंगे, तो इसलिए किसी भी तरीके की ढिलाई इस विषय के ऊपर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य का पालन करिए। हम लोग पूरी तरह से व्यवस्थित अपने सिस्टम को कर रहे हैं, हम लोग इस सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना जिलाधिकारी आनंद शर्मा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो है मरीजों से उन्होंने अपील की है, साथ साथ जिले वासियों से भी उन्होंने अपील की है कि मास्क का लगाना अनिवार्य है और सरकार का जो भी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उन सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, इसको आप जरूर समझें और मास्क जो है हमेशा लगाए, अनावश्यक रूप से जब घर से बाहर ना निकले, भीड़ इकट्ठे ना करें, ऐसे कई हिदायत जो है दी गई है। साथ साथ जो वार्डों का निरीक्षण किया गया है उसमें कई खामियां पाई गई थी, उसका स्पष्टीकरण जो है अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जो है मांगा गया है। खैर, देखने वाली बात यह होगी, अब नए जिलाधिकारी के तौर पर आनंद शर्मा सहरसा आए हुए हैं और सहरसा में उन्होंने योगदान लिया है, अब क्या कुछ यहाँ का व्यवस्था देखने को मिलता है, आगे क्या कुछ सदर अस्पताल की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है और क्या कुछ कार्रवाई जो है होती है।